अगरबत्ती बिजनेस से जुड़ी सारी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल श्री राम अगरबत्ती। आज इस नए टॉपिक में आपको बताऊंगा प्रीमिक्स के बारे में। तो कुछ मटेरियल्स मैंने रखी हुई है तो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले ये हमारे पास चारकोल है, इसमें वुडन पाउडर और कोयला दोनों का मिक्सिंग किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद मैंने ये रखा है जोश रखा हुआ है। आप जब भी प्रीमिक्स बनाएं तो ध्यान रखें कि जोश आप जो रखे हुए हैं वो अच्छी क्वालिटी में हो। मार्केट में ये लगभग लगभग 70 से 75 रुपया केजी में उपलब्ध है। ये हमारे पास जिगट है, जिगट भी आप अच्छी क्वालिटी का ही यूज़ करें। मार्केट में ये आपको लगभग लगभग 35 से 40 रुपया केजी के हिसाब से मिल जाएगा। सबसे पहले आपको एक टप ले लेनी है, मैं ये टप रख देता हूँ। ये प्रीमिक्स मैं 5 केजी का कॉम्बिनेशन बनाऊंगा। ये हमने 5 किलो चारकोल पाउडर ले लिया है, इसको मैं ट्रिप कर देता हूँ। अब सबसे पहले मैं जोश डालूँगा इसमें। जोश आपको लेना है 5 किलो में लगभग लगभग 300 ग्राम आपको जोश लेना है। अगर आप इससे ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो 10 किलो का या फिर 15 या 20, तो सीधा सीधा आप डबल कर लीजिएगा इसको। तो मैं 5 किलो के हिसाब से मैं 300 ग्राम डाल देता हूँ। उसके बाद आपको लेना है जिगट। जिगट आप लगभग लगभग 400 ग्राम डालिए 5 किलो के हिसाब से, और जैसे आप ज़्यादा बना रहे हैं तो सीधा आप डबल कर लीजिए इसको। तो मैं 400 ग्राम जिगर डाल देता हूँ। थोड़ा आगे पीछे चलेगा 10-20 ग्राम, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद आप पाउडर मिलाने के बाद अच्छे से मिक्सिंग कर लीजिए। पाउडर पूरा मिक्स हो चुका है। अब ये टोटल पाउडर जो है हमारा प्रीमिक्स 5 किलो का ये पाउडर लिए थे और 300 ये और 400 वे, टोटल हो गया 5 किलो 700 ग्राम का ये हमारा पाउडर तैयार हो गया। इसके बाद मैं इसमें पानी डाल के दिखाता हूँ आपको। लगभग लगभग 1 केजी प्रीमिक्स बनाने के लिए 750 ग्राम तो डालना ही होता है पानी। थोड़ा सा आगे पीछे आप डाल सकते हैं, लेकिन 5 केजी के कॉम्बिनेशन में मैं लगभग लगभग इसमें 4 लीटर के आसपास पानी डालूँगा, क्योंकि 4 लीटर पानी में ये सही आता है। और अलग अलग प्रीमिक्स के हिसाब से थोड़ा सा पानी भी थोड़ा कम ज़्यादा होता है, तो मैं इसमें पानी ऐड कर देता हूँ। ये मैंने पानी रखी हुई है। आपको इसमें 4 लीटर के आसपास पानी डालनी है।
4 लीटर पानी मैंने डाल दिया है। अब इसको आपको अच्छे से मिक्स करना है। आप देख सकते हैं कि हमारे ये प्रीमिक्स अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, तो मैं इसे आपको पास ला के दिखाता हूँ। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो करके मैंने इसे थोड़ा सा वीडियो बंद करके मिक्स किया है, तो आप देख सकते हैं। आप इसी तरह से अपना प्रीमिक्स मिक्स कीजिए। इसका जो बारीक कण है वो बिल्कुल अलग अलग होना चाहिए, तभी आपका एक सही वाला अच्छा सा प्रीमिक्स तैयार होगा। अब आगे मैं इसको मशीन में चला के दिखाऊंगा कि किस प्रकार से प्रीमिक्स में अगरबत्तियां तैयार होती है, तो वीडियो में बने रहिए। प्रीमिक्स मैंने पूरी अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि मशीन में चलते कैसे है। तो सबसे पहले मैं ये मसाला थोड़ा सा डाल लेता हूँ। ये प्रीमिक्स है, ऐसे प्रीमिक्स बनाओगे तो आपकी मशीन कभी भी नहीं रुकेगा, स्मूथ चलेगा। इसमें आप देख रहे हैं, निकालना वाला नहीं आवाज तो कुछ नहीं आवा। आप अगर ऐसे प्रीमिक्स बनाओगे तो आपकी मशीन नॉन स्टॉप चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, और प्रीमिक्स के नाम से तो कोई प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। तो आप ऐसे ही अपना प्रीमिक्स तैयार कीजिए और अपना मशीन को ऐसे ही चलाइए। आप देख रहे हैं मेरी मशीन पूरी एकदम स्मूथ चल रही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये सेकेंड लेयर का स्टिक मैंने डाला हुआ है, स्पीड बढ़ा के मैं दिखाता हूँ आपको। निकालना, निकाल के चालू करना। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले टॉपिक में नए प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और लोगों में ज़रूर शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।